देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार रहे मौजूद। कल शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बीजेपी पर्यवेक्षकों की देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से मीटिंग। सरकार बनाने को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। कहा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। पर जानलेवा हमले पर सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, पुलिस की सतर्कता की वजह से चली बड़ी वारदात, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। संभल नहीं जा पाए राहुल और प्रियंका गांधी, गाजीपुर बॉर्डर से लौटे वापस। राहुल ने कहा, हम लड़ते रहेंगे। प्रियंका बोली, संभल जाना राहुल का संवैधानिक अधिकार। राहुल के संभल दौरे को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी रस्म अदायकी के लिए संभल जाने का कर रहे थे प्रयास। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में चौंकाने वाला खुलासा। घटनास्थल से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी गोलियों के खोके हुए बरामद। पुलिस ने मामले को बताया गंभीर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। संसद भवन के बाहर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। अदानी मुद्दे पर जेपीसी मांग की लगातार जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन से टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने आज भी बनाई दूरी। कल भी दोनों पार्टियां नहीं हुई थी शामिल। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करने के लिए बॉर्डर पर अड़े किसान। भारतीय किसान यूनियन ने भी दिया समर्थन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का प्रदर्शनकारी किसानों पर बयान। कहा, किसानों के लिए खुले हैं दरवाजे, अगर हम बुलाते हैं तो हम उनके पास जाने के लिए भी तैयार रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरा। कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने कबूली पीएम मोदी के अधूरे वादों की बात। बिहार के सीतामढ़ी में एमएलसी उपचुनाव में पैसा बांटने का आरोप। भारत सरकार की गाड़ी से 73 एमएलसी उपचुनाव को लेकर बांटा जा रहा था रुपया। बिहार में भूमि सुधारों की दिशा में बड़ी पहल, जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ी। कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुई जमीन सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने स्वघोषणा की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। नेब सराय इलाके में मां बाप और पीटी की हत्या। दिल्ली विधानसभा में घटना को लेकर केजरीवाल ने केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भारत चीन को लेकर बयान। कहा, ब्रिक्स के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई सकारात्मक बात। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने को लेकर बनी सहमति। बांग्लादेश के हालात पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा, भारत सरकार से हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने का किया अनुरोध।